मसीह खुदावंद में आपकी सलामती हो। मैं तानिया कंवल प्रोग्राम मसीह नुकता नजर के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम अजीजों बात करेंगे दुनिया में कत्लो गारत। दुनिया में इतना कत्लो गारत आम क्यों हुआ? शायद अगर हम आज से तकरीबन 30 साल पहले देखें तो ये बॉम्ब ब्लास्ट और जगह जगह बॉम्ब इरेक्ट करके उसको उड़ा देना किसी भी जगह को, या खुदकश बम धमाके, ये इतना आम नहीं था। अब तो ये हर जगह पर, स्पेशली हमारे एशिया में जो है, इस चीज़ को हर बड़ा बच्चा बड़ा जानता है और लोग इससे वेल अवेयर्ड हैं और खौफज़दा भी हैं। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्या ये क़यामत आने की निशानी है? क्या सब कुछ ख़त्म होने वाला है? तो आइए जानते हैं इसको, बाइबल की रोशनी में सीखते हैं अपने गेस्ट से, बिशप साहब से। बिशप साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। हाँ जी बिशप साहब, कैसी तबीयत है आपकी? मैं खुदावंद का शुक्र है कि मैं ठीक हूँ। जी नाज़रीन, आप सबको भी सलाम। जी ये जो इतना कत्लो गारत का माहौल है, ये खुदकश बम धमाके और इतना सनसनी पैदा हुई भी, और लोग डरते हैं। किसी मॉल में अगर ज़रा सा कोई वैसे ही कह दे कि यहाँ पर बॉम्ब है, तो मेरा ख्याल है लोग ऐसे भागेंगे कि वो एक पुराना वो इंटर की किताब का वाक्या याद आ जाएगा, द डे द डैम ब्रोक। अब उस तरह की ये जो सनसनी खेज बातें हैं, वो आज इतनी खतरनाक अंदाज में जो है वो हमारे सामने हो रही हैं, तो क्या ये आखिरत की निशानियां हैं या ये बस लोग ही एक दूसरे पर चढ़ाई कर रहे हैं? बेटा, मैं सब नाज़रीन से और आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ जी कि हर एक जवाब के लिए जो चीज़ सूरत हमारे सामने आती है, जो सूरत हाल हमें नज़र आती है, उसको खुदावंद के पाक कलाम में से ढूंढने की, समझने की ज़रूरत है, और अपना दिल और ध्यान खुदावंद के पाक कलाम की तरफ लगाने की ज़रूरत है, खुदावंद के पाक रूह से पूछने की ज़रूरत है, ताकि हमारी आंखों में वो पहचान डिवेल्प हो कि हम समझ सकें और जान सकें। मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूँ, मुकद्दस यूहन्ना आरफ का मुकाशा, उसका 6वां बाब है। उसमें से दो हवाले मैं सिर्फ दूंगा, पढ़ने सारे चाहिए, जी पढ़ने सारे चाहिए, लेकिन दो हवाले मैं यहाँ से जिक्र के तौर पर दूंगा अपनी बात के आगाज को शुरू करने के लिए। जी जब उसने दूसरी मोहर खोली, ये 3री आयत है, तो मैंने दूसरे जानदार को ये कहते सुना कि आ, फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था। उसके सवार को ये इख्तियार दिया गया कि जमीन पर से सुलह उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। अच्छा, उसके बाद जो इसी के बाद जो जो 3री मोहर है, उसमें एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, और मैंने गोया उन चारों जानदारों के बीच में से ये आवाज़ आती सुनी कि गेहूं दिनार के सेर भर और जो दिनार के 3 सेर, और तेल और मैं का नुकसान न कर। अब ये समझने वाली बातें हैं। इशारा है कि ज़मीन पर से सुलह उठा ली गई है, महंगाई बढ़ गई है, तेल और मैं का नुकसान ना कर। समझने के लिए ध्यान की, खुदा के रूह की मदद की ज़रूरत है, तवज्जो की ज़रूरत है। बेशक लेकिन यहाँ मैं जो इशारा करना चाहता हूँ, वो इशारा ये है कि सुलह उठा ली गई है। आपको याद है कि जब फरिश्तों की क्वायर, आसमानी लश्कर की ग्रो, ये गाती थी गाती हुई जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, और ज़मीन पर उन उन आदमियों आदमियों में जिनसे वो राज़ी है, राजी सुला सुलह। ठीक है, बिल्कुल अगर खुदा मुझसे और आपसे राज़ी नहीं है, तो मेरे और आप में सुलह नहीं हो सकती। ये जो दुनिया में अफरा तफरी है, ये जंग और जुनून की हालत है, बिल्कुल इसका मतलब है कि सुलह उठा ली गई है। हम कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम निशाना बन जाते हैं। पिछले 10 दिनों में 11 धमाके हो गए,
बेदरेगी के साथ कत्ल कर रहे हैं, बेदरेगी के साथ। और जो कत्ल कर रहे हैं वो ये समझते हैं कि हम अपने दीन की खिदमत कर रहे हैं। माजी में बहुत सारी जगहों पे क्रिश्चियंस भी लिबरेशन मूवमेंट्स में शामिल हुए हैं और आप भी बड़ी गैरत रखते हैं, लेकिन क्या आप दुआ और दुआ के मजबा पर इस जंग को नहीं लड़ सकते? इसका पस मंजर है, यूहन्ना आरफ के जो उसका मुकाशवा है उसके पहले बाब की तीसरी आयत में लिखा है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ उसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। अब देखें, पता नहीं शैतान कब का लगा हुआ है, ये मुकाशवा के बारहवें बाब में ये लिखा है कि ऐ खुशकी और तरी तुम पर अफसोस, कि वो अबलीस बड़े कहर में उतरा है। लिखा है कि पासा आसमानों और उनके रहने वालों खुशी मनाओ, ऐ खुशकी और तरी तुम पर अफसोस कि उनके अबलीस बड़े गुस्सा में तुम्हारे पास उतर कर आया है, इसलिए कि जानता है कि मेरा थोड़ा ही सा वक्त बाकी है। वो जानता है बड़े लंबे अरसा से शैतान लगा हुआ था, उसने लोगों को सुस्त किया, उसने लोगों को लापरवाह किया, उसने लोगों को एथियस्ट बनाया कि मज़हब वज़हब कुछ नहीं होते, ये बाइबल जो है ये कुछ नहीं है, इसके अंदर जो लिखा है वो कुछ नहीं है। आज दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है जो खुदा को, खुदा के रूह को, खुदा के कामों को मानते ही नहीं है। नाम उनका विलियम और ग्रेस और मार्था और पता नहीं क्या क्या कुछ है, लेकिन वो कहते हैं कि हम खुदा के कलाम को मानते नहीं। ये शैतान का वो काम है जो उसने कई सौ सालों में या कई सालों में या कई धारियों में उसने लोगों को इस हद तक पहुंचा दिया है कि तुम्हें पता ही ना चले कि तुम इस किताब को पढ़ के उसको समझ सको। अब देखें, मैं दोबारा इसको पढ़ता हूँ कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सबसे पहले पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। वक्त की कमी का और वक्त के ज़िया का जिक्र खुदा के कलाम में बार बार आया है कि हमने वक्त ज़ाया नहीं करना, हमने वक्त को गनीमत जानना है, इसको ज़ाया होने से बचाना है, क्योंकि वक्त के लिए हम खुदावंद के सामने जवाब दे हैं, मखसूस वक्त में अपने मखसूस काम करना है और उस काम का हिसाब किताब आपसे लिया जाएगा। बिल्कुल। अब शैतान क्या कर रहा है? शैतान ये कर रहा है कि इस नबूवत की किताब को पढ़े ना जाए, ईमान की बुनियाद को उखाड़ दिया जाए। अगर हम खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ेंगे नहीं और हमारी निगाहों में बसीरत नहीं होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मुकाशवा का हिवान कौन है? नजर आ रहा। अगर हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और खुदा का रूह हमारी रहनुमाई करता है, मैं सारी दुनिया के लोगों की बात कर रहा हूँ, कि तो हमें पता चलेगा कि ये हैवान है कौन। हमें ये भी पता चलेगा इस हैवान से बचना किस तरह से, हमें ये भी पता चलेगा इस हैवान पर गलबा किस तरह से पाना है। लेकिन उसने यानी अबलीस ने पहले से ही सदियां इन्वेस्ट करके, सबसे पहले उसने लापरवाह किया, सुस्त किया, हम खुदावंद की तरफ ध्यान जिस तरह से करना चाहिए 100% खुदा के साथ ताल्लुक रिश्ता और उसके साथ रफाकत रखने की बजाय हमने पार्ट टाइम मसीहत शुरू कर दी है। जब गिरजे गए तो मसीह हो गए, चर्च से बाहर निकले तो जो मर्जी हो गए, जब दुआ करने लगे दुआ के बाद हम समझते हैं जो मर्जी कर लें, लेकिन हम उस सूरत हाल में से निकल गए हैं जहाँ खुदा उनका पाक कलाम हमसे ये तकाजा करता है कि हम समझे और जाने कि तुम खुदा के पाकरू का मकदस हो। अगर तुम खुदा के पाकरू का मकदस हो तो फुल टाइम मकदस हो। अगर खुदा का पाकरू तुम में बसा हुआ है तो तुम जस्मानी नहीं रूहानी हो,
फिर रूह की नेमतें, रूह के फल, रूह के हथियार, वो सारा कुछ मौजूद होंगे। फिर रूहानी तौर पर आपके पास ये बसीरत होगी कि आप देख सकें कि ये हालात और वाकयात खुदा के निज़ाम में इनकी जगह मुकाम क्या है, ये हवान क्या है। ये जो सारा कुछ किया है शैतान इसलिए करता है कि उसको रास्ता मिल जाए। अब इस वक्त जो मैंने अर्ज़ की कि पिछले 10 दिन में 11 धमाके हुए हैं, उसने खौफ की फ़ज़ा पैदा कर दी है। कईयों की शादियां हैं, अब वो शादी घरों में भी अपना अलर्ट जारी है कि शादी घरों के नज़दीक ना जाओ, मॉल्स के नज़दीक ना जाओ, यहाँ सेलिब्रेशन हो रही हैं उसके नज़दीक ना, एक खौफ है। शैतान के पास और जो फ्रॉड करने वाले हैं उनके पास दो ही हरबे होते हैं। नाज़रीन इस बात को याद रखें, उनके पास दो हरबे होते हैं। एक तो वो हवा के घोड़े पर सवार करके दुनिया जहान की सैर करा देता है, और वो हर शख्स को जिसको उसने गिराना होता है उसको कहता है ये सारा कुछ तुझे मिल जाएगा, ये सारा कुछ मैं तुझे दिला दूंगा, बस तू मेरी बात मान ले। मिसाल है खुदावंद यीशु मसीह की कि वो अबलीस खुदावंद यीशु मसीह को पहाड़ पर ले गया और कहने लगा ये सारी शान और शौकत ये सब मेरे पास है, और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि इस जहान का सरदार मुजरम ठहरा दिया गया है, दुनिया का निज़ाम उसके कब्ज़े में है। हम रूहानी बसीरत ना रखने की वजह से समझ नहीं पाते हैं और उसके जाल में फंस जाते हैं और फंसे रहते हैं जी। तो हमें ज़रूरत है कि हम समझें कि इस दुनिया का निज़ाम है क्या। जो अबलीस के फ्रॉड है उनमें से एक तो ये हो गया कि वो झांसा देता है, वो ऑफर करता है, वो सारी चमक दमक दिखाता है, कहता है ये सारा कुछ मिल जाएगा। दूसरा ये है कि वो खौफ पैदा करता है, खौफ पैदा करता है, तू आज ही तेरा सत्यानाश हो जाएगा, आज ही तू मर जाएगा, अभी निकलना देख बम का धमाका हुआ, जिस गाड़ी में बैठेगा उस लोग खौफ और शक की पोजीशन में है। तो जब वो खौफ और शक की पोजीशन में है तो दुआ कैसी करेंगे, डर ही उनका खुदा, उनका डर जो है वो उनका खुदा बन गया, वो खौफ की हालत में है। तो उसकी वजह से हम उस हैवान को और बहुत सारी चीज़ों को जो हमें नुकसान देने वाली है उनको पहचान नहीं पाते। उसने माहौल क्रिएट कर दिया है, उसने एक फ़ज़ा जानबूझ के क्रिएट कर दी है, और दुनिया के बेशुमार लोग ऐसे हैं जो अपने आप को रूहानी कहते हैं, वो भी इस चीज़ का शिकार हैं, और सब अच्छा है, सब अच्छा। देखो मैं इतनी दुआ कर रहा हूँ, मैं बेदारी के लिए इतनी दुआ कर रहा हूँ, मैं मुकलसिन के लिए इतनी दुआ कर रहा हूँ, यही जो खौफ की सूरत हाल है ये हमें हमारी असली रूह नहीं है। हमें लापरवाह नहीं होना। कायन को खुदा ने कहा था कि गुनाह दरवाजे पे दबका बैठा है और वो तेरा मुश्ताक है। मुकदस पतरस रसूल फरमाते हैं कि अबलीस बब्बर शेर की तरह धाड़ता फिरता है, ढूंढता फिरता है कि कोई उसके हत्थे चढ़ जाए तो उसको खा ले। लेकिन देखे जिन चीज़ों को हम ज़िंदगी में अहमियत ही नहीं देते, खुदा के कामों की नस्बत सुस्ती, लापरवाही, दुआ ना करना, आंखों का खुला होना ना होना, रूहानी बसीरत का ना होना, जिसको स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट कहते हैं, रूहानी बसीरत। पालूस मुकद्दस पालूस रसूल दुआ करते हैं और कहते हैं तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाए ताकि तुमको मालूम हो जाए कि तुम्हारी मीरास क्या है, तुम्हारी जगह क्या है। अगर तुम्हें मुकद्दसीन का दर्जा मिला है तो ऐसे फजूल में नहीं मिला, तुम्हारे सुपुर्द दर्जा दे के कुछ काम किए गए हैं। अब जब हमें ये पता चलेगा कि हम मौत और कब्र पर फाते हैं तो हमारी ज़िंदगी का अंदाज़ बदल जाएगा, हमारी ज़िंदगी में से खौफ निकल जाएगा कि मैं तो अपने हकीकी घर में जा रहा हूँ, ये दुनिया तो दुखों का घर है, मेरा खुदा अगर मुझे अब्दी आराम में दाखिल कर रहा है जिसके बारे में उन्होंने फरमाया था कि मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं। अब जो कई प्रोग्राम होते हैं उनमें मैं बोल जाता हूँ, जो
ये होते हैं फेसबुक पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन पे मैं बोल जाता हूँ, तो हमारा काम है कि हम बोलें। चर्च का एक प्रोफेटिक रोल भी है, उसका एक नबी वाला किरदार भी है कि वो बोले कि क्या हो रहा है, इससे बचो। खुदाम के पाक कलाम में कई दफ़ा कई जगह पर लिखा है, आए बरगश्ता बचो, आए बरगश्ता बचो, तोबा करो, गुनाह से बचो, अपनी असल जगह पर लौट आओ, गुनाह से तोबा कर लो। एक नहीं, बार बार शुरू से लेकर, बाइबल के शुरू से लेकर आखिर तक एक ही मज़मून है कि उस लाइन को जो खुदा को और दुनिया को जुदा करती है, जो खुदा को और शैतान को जुदा करती है, उस लाइन को पार करके खुदावंद यीशु मसीह की तरफ आ जाओ, उसको अपना निजात दहिंदा मान लो, उसको अपना बादशाह मान लो, उसके आइन को मान लो, उसके ताबे हो जाओ, उसके सामने हथियार अपने डाल दो, और फिर उसकी बादशाहत में आप अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल डिमांड्स, स्पिरिचुअल डिमांड्स क्या है कि वही जो खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं। खुदा यीशु मसीह ने क्या फरमाया था कि मैं जाता हूँ ताकि वो दूसरा मददगार तुम्हें भेजूँ, ठीक है, वो तुम्हें सिखाएगा राह हक की बातें बताएगा, कलाम की बातें तुम्हारे लिए खोलेगा, भेद और मुकाशवे तुम्हारे लिए खोलेगा, और सिर्फ वही जो खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे और बेटी हैं, जिनके पास बड़े इल्म हैं, जिनके पास बड़े तजर्बे हैं, जिनके पास बड़े ओहदे हैं, जिनके पास बड़ी सीटें हैं, खुदा वो नहीं चाहता। खुदा यीशु मसीह ने ये फरमाया था कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन। तो हम किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं? हम कहते हैं कि हमारे जैसा है ही कोई नहीं है, हम दुनिया के उलूम से भी वाकफ़ हैं, हम खुदा के कलाम से भी वाकफ़ हैं, हमारे पास खुदा के घर की यानी कलीसिया की सीटें भी हैं, हमारे पास दुनिया जहान के कॉन्टेक्ट्स भी हैं, हम जैसा कौन है? तो ये जो रवैया है, इस रवैये की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारी नज़रों से ओझल हो गई हैं। आप याद करें कि जब मुकद्दस हफ्ते में, जो कि अभी ईस्टर से पहले आने वाला है, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह यरूशलम गए, तो लिखा है कि जब वो वहाँ से पहाड़ पर से उसे देख रहे थे तो वो रो पड़े। आज भी वो दुनिया को देखकर रो रहे हैं, और उन्होंने क्या कहा था कि आए यरूशलम, आए यरूशलम, काश के आज के दिन में तू अपनी सलामती की बातें जानता। और आज खुदा का कलाम हम सबसे ये तवक्को और तकाजा कर रहा है कि हम अपनी सलामती की बातें जाने, हम अपनी सलामती की बातें समझें। और फिर खुदा यीशु मसीह ने जिस वजह से वो रोए, उनमें से एक बड़ी वजह ये भी थी, अब वो बातें तेरी नज़रों से उज्जवल हो गई। जब आँखों में मोतिया आ जाता ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको नज़र कम होता जाता है, और एक स्टेज ऐसी आती है कि फिर नज़र आना बंद हो जाता है। तो यहाँ तो उससे पहले वो रूहानी तौर पर यीशु से आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले, तो कौन मानेगा कि मैं अंधा हूँ? एक दफा कुछ लोग आए थे खुदा यीशु मसीह के पास, और उन्होंने कहा बहस के दौरान, क्या हम भी अंधे हैं? तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि काश तुम अंधे होते, काश, काश का लफ्ज़ वहाँ लिखा नहीं है, ये मैं एक्सप्रेशन के तौर पर, उन्होंने कहा अगर तुम अंधे होते तो तुम गुनाहगार ना ठहरते, लेकिन अब जो समझते हो कि हम देखते हैं, हम बीना हैं और बड़ी समझ रखते हैं, हमें सब कुछ नज़र आता है, तुम्हारा गुनाह कायम है। हम में से बेशुमार जो चर्चेस के साथ वाबस्ता लोग हैं, वो ये जो कुछ कर रहे हैं, मेरी दुआ है और खुदा का कलाम है कि खुदा सबकी आंखें खोले, ताकि हम बाला खाने की रूह में दुआ करें कि खुदाया तू जो आसमान पर है हमारे दरमियान मौजूद हो। अब मैं
इस एक गलत किस्म की बहस छिड़ जाएगी, उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन जो रूहानी हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि रूहानी हैं, क्या उनके कान खुले, क्या उनकी आंखें खुली हैं, क्या वो हैवान को देख सकते हैं, या वो अपनी दुआ बंदगी में इतने मस्त हैं कि उनको किसी दूसरे की परवाह ही नहीं है। शैतान लापरवाही पैदा कर देता है, चाहे आदमी रूहानी हो वहाँ पे भी कर देता है, और चाहे वो खुदा से दूर हो वहाँ भी। और यहाँ मैं ये समझता हूँ आजकल के ज़माने में कि रस्मी कलीसिया और दहरिये यानी एथियस्ट, उनके लिए शैतान ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है ताकि वो मुकाशवा की किताब को पढ़ ना सकें, उसको समझ ना सकें, उन इशारों को जो खुदा के कलाम में आखिरी दिनों के लिए या रूहानी ज़िंदगी के लिए उनकी तरफ ध्यान ना दे सकें। हम इतनी इतने रस्मी हो गए हैं कि हम कहते हैं पादरी साहब ये लो, चंदा दिया और कहा जी आप मेरे लिए दुआ करना। जी मैंने खुद नहीं करनी, मैंने खुद नहीं करनी, मुझे क्या ज़रूरत है, मैं तो दे रहा हूँ, फीस दे रहा हूँ, पादरी साहब दुआ करना। उन्होंने भी याद की होती है कि जो 500 का नोट है वो उस पर यह दुआ करनी है, जो 1000 का नोट है उस पर यह दुआ करनी है, अगर उससे ज़्यादा होंगे तो उसके लिए ये दुआ करनी है, और अगर कोई 100 देगा तो उसके लिए ये दुआ करनी है। मैं किसी को निशाना बना के बात नहीं कर रहा, मतलब ये कि हमारे रस्मीपन इतना आ गया है हमारे बीच में, रस्मीपन और सीखा हुआ जो तौर तरीका वो इतना आ गया, इंस्टीट्यूशनल हो गए हम, कि हमने फार्मूले बनाए हुए हैं हर चीज़ के। रूहानी लोगों ने भी बनाए हुए हैं, जो नॉन रूहानी है यानी जिस्मानी है, खुदा से दूर है, उन्होंने भी बनाए हुए हैं। और फिर ऐसे हैं जो बिल्कुल रस्मी कलीसिया और दहरियों का दर्जा रखते हैं, उनको समझ ही नहीं है कि इस किताब में क्या लिखा है, खुदा ने क्या तय कर दिया, उसने तरीकाकार क्या तय कर दिया, सुलह क्यों उठा ली गई है, लोग क्यों मर रहे हैं, आखिरी दिन कितने रह गए हैं, वक्त नज़दीक है या नहीं है, मुझे इस थोड़े वक्त में क्या करने की ज़रूरत है ताकि मेरा टारगेट पूरा हो। बिशप साहब, इन सारी बातों के लिए जो कि आपने बताई, और ये जो दुनिया में कत्ल वगैरह रहता है, ये अब्लीस की एक चाल है, क्योंकि आम जो इंसान है वो मेरा ख़्याल है इस सोच से ही नावाकिफ है, वो यही कहता है ये टेररिस्ट एक्टिविटी है, टेररिज्म है, तो ये टेररिस्ट भी जो है ये इनको भी कोई क्रिएट करता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्यारे मैसेज के लिए, ज़रूर है कि हम इसको सुने, सीखें और इसको प्रैक्टिकली परखें, क्योंकि जब हम सुनते हैं और बात को परखते नहीं है कि अच्छा हाँ फलां वक्त ये हमने बात सुनी थी, टीवी पर प्रोग्राम आ रहा था उसमें हमने सुना, लेकिन उसको परखें कि वाकई क्या टेररिस्ट एक्टिविटी या टेररिज्म या ये एटॉमिक बॉम्ब ये सब कहाँ से आ रहा है, ये कौन है जो चाहता है कि इंसान इस तरह बुरे तरीके से उनकी अज़ा बिखर जाए और वो मरें, और बेवजह और छुप कर उस चीज़ को वो डिप्लॉय करते हैं, जो काम छुप कर किया जाता है, जिस काम को हम खामोशी से चाहते हैं कि हम करें, और बहुत सारा नुकसान क्रिएट हो, ये शायद इंसानी सोच नहीं, ये अब्लीस की चाल है, वो चालें चलता है और हम इंसानों को इसके लिए इस्तेमाल करता है ताकि हम उसका असली जो चेहरा है वो हमसे छुपा रहे, ऐसा ना हो कि वो जो सुलह उठा ली गई है वो हम मसीहों में से भी उठा ली जाए, क्योंकि जिनके साथ यीशु सुलह का शहजादा है, हो नहीं सकता कि वो सुलह उनमें से चली जाए। तो अजीज़ों लापरवाह ना रहें, ये कि हम तो इबादत कर रहे हैं, अगर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, हम उनके लिए भी दुआ कर रहे हैं, बल्कि तालीम को मुँह खोल कर उन अल्फाज को जो यसु हमें देता है हम उसको दूसरों को भी बयान करें, और सबको खुदावन का कलाम सुनाने के लिए जब उसने हमें मुकरर कर रखा है तो हो नहीं सकता कि हम जिंदा खुदा के बेटे और उसके गवाह ना बने, दुनिया के आखिर तक जाएं, उसके नाम की मनादी करें, और चाहे किसी शख्स की कोई भी पोजीशन है, हम सबको एक ही खुदा में जाना है, लेकिन बात है कि अगर हम अपने खुदा को पहचानते हैं, मौका भी है, हमारे पास ज़िंदगी भी है, अपनी ज़िंदगी पर गौर करिए, इस मौके को अपने हाथ से हम ज़ाया ना होने दें, बल्कि हम इस मौके को अपनाते हुए इस सारी खुदा के कलाम से जो आज हमने सीखा है इसको अपनी ज़िंदगी में जगह दें, और देखें कि हमारा रूहानी पोजीशन जो है
वो एलिवेट हुई है या नहीं हुई, या हम वहीं पर थक के सो गए हैं। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए प्रोग्राम मसीह नुकता नज़र। फिर मिलेंगे आपको अगले हफ्ते इसी जगह प्रोग्राम मसीह नुकता नज़र के साथ। खुदा हाफ़िज़।